साथ ही अगली खबर भी यूपी से है, जहां पर महाराजगंज के पास नेपाल बॉर्डर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। नेपाली जवानों ने अपने ही नागरिकों पर फायरिंग कर दी है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। यह घटना बुधवार की बताई जा रही है। खबर के मुताबिक नेपाल का रहने वाला युवक अभिषेक राजभर बॉर्डर पार बगुआर बाजार से अपने बीमार पिता को दवा दिलाकर वापस लौट रहा था। वह खेतों के रास्ते नेपाल जा रहा था, इसी बीच नेपाली जवानों ने उसे रोकने के लिए फायरिंग कर दी। डर की वजह से उसने भागना शुरू कर दिया और इसी बीच नेपाल जवानों ने उसे गोली मार दी। जवानों की इस निर्मम कार्यवाही से युवक बुरी तरह घायल हो गया। स्थानीय लोग उसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद बॉर्डर पर तनाव का माहौल है। यह घटना नो मेन लैंड लाइन के पास हुई है। आपको बता दें, यह घटना बुधवार को हुई। नेपाल से बड़ी तादाद में लोग भारतीय इलाकों में इलाज के लिए पहुंचते हैं, वहीं से अपने जरूरी सामान की खरीदारी भी करते हैं। जवानों की इस तरह की कार्यवाही से लोगों में काफी गुस्सा है और जैसे ही युवक को गोली लगी, वहां बड़ी संख्या में गुस्साए लोगों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन इससे पहले ही जवान वहां से फरार हो चुके थे। आपको बता दें कि महाराजगंज के सीओडी के उपाध्याय के मुताबिक जवानों की फायरिंग में नेपाली युवक की मौत के मामले में नेपाल के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है और इस घटना से लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं।